गौर से देखिए इस लड़की को कर क्या रही है। Hey guys, welcome back to our YouTube channel and we are back with an another video. तो भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हम दोनों बनाने वाले हैं एक एक रेसिपी और जिसकी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसको मिलेगा एक तोहफा और जिसकी रेसिपी ठीक ठीक होगी उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं लंबे समय के बाद आज हम आपके लिए कैसी वीडियो लेके आते हैं। पर्सनल इश्यूज थे कुछ तो गाइज जो वीडियो नहीं आ रही है बहुत टाइम से उसमें बात ये है कि अभी एग्जाम चले हैं तो हमने थोड़ी टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ा हुआ है। हम फिर से जब हमें टाइम मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप ये वीडियो देखें। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिस वजह से हमने वीडियो छोड़ रखी थी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। पहले मैं बनाऊंगी रेसिपी उसके बाद ये देखते हैं ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा सो गाइस मैं जो रेसिपी बनाने वाला हूँ उसके लिए चाहिए हमें एक मैगी आलू और भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले चाहिए ये इसे हम यहाँ रखेंगे और सबसे पहले हम एक मैगी बना लेते हैं। इसमें डालते हैं हम पानी बनाने वाला हूँ सैंडविच जिसमें कि मुझे आलू चाहिए उसके लिए मैं एक टिक्की बनाऊंगा और ये मैगी सब कुछ। सबसे पहले इसको बना लेते हैं छोटे छोटे कर लेते हैं बड़ा बड़ा। सो गाइस जब तक मैगी बन रही है तब तक मैं ये आलू की टिक्की बना लेती हूँ। ठीक है और अब हम इसे बनाएंगे टिक्की। पहले हम इसे मैगी को निकाल लेते हैं। ये मेरी टिक्की है अब हम इसे तलेंगे पटन। ये रही हमारी टिक्की और अब हमें चाहिए दो ब्रेड। अब हमें दो ब्रेड चाहिए हमने यहाँ रखेंगे सेकेंगे अब हमें बटर में थोड़ा थोड़ा सा बटर डालेंगे। एक को बटर में सेकेंगे पहले फिर दूसरी साइड से सेकेंगे। अब हम इस सैंडविच मतलब कि ब्रेड के अंदर इस मैगी को फिल करेंगे। काबिल तारीफ इतनी सुंदर। अब हम इस टिक्की को इसके अंदर डालेंगे। ओह माय गॉड आप इतने प्रोफेशनल की हो हमें आपका स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे आ
केबल्स को उसके ऊपर रखेंगे और इसे ऐसे प्रेस कर देंगे। टाना, बन गया हमारा सैंडविच। अब इसे पलट देंगे क्योंकि ये इस तरह से करारा करारा होना चाहिए ना। सर्व करेंगे। ये है हमारा सैंडविच। अब है मेरी सिस्टर की बारी। देखते हैं जरा ये क्या बनाती है। बाद में खाएंगे हम इसे। So guys, अभी मेरी बारी है। दीदी की हालत देख के मुझे बिल्कुल मतलब बहुत तरस आ रहा है इन पर क्योंकि हारने वाली है। कर बता रही तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो है क्या बोलते हैं ब्रेड स्लाइस। इसमें हम अंदर आलू की फिलिंग डालेंगे और अभी मैंने ऑयल लगा लिया है। इसको गर्म जब तक ये गर्म होता तब तक हम अपना दूसरा बना थोड़ा निकालिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो अब हम करते हैं ब्रेड की फिलिंग डालना शुरू। ब्रेड पार्टी ले जाए पहले हम दो ब्रेड ले लेते हैं। अगर आपको ज्यादा बना दे तो फिर हम ज्यादा भी बना सकते हैं। प्रोफेशनल हो गए। जब हमें गिफ्ट की बात आती है तो हम बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओ भाई मारो मुझे मारो। मुझे पता है मैं जीतने वाली हूँ क्योंकि गिफ्ट मुझे मिलने वाला है। ऑयल लगता है हो गया है इसको बंद कर देते हैं। ज्यादा हो गया तो आग लगने के बहुत चांसेस है। अभी ने कट कर ली। ओहो प्रोफेशनल प्रेस कर रहे इसको ढंग से। मेरी पूरी कोशिश थी इसको ऐसे ऐसे काटने की पर कट गई हो तो ऐसे देख सकते हैं आप। फिर से बेसन में ऐसे डिप करना है लाइक दिस। फिर ये ऐसा हो जाएगा। इधर से नहीं हुआ डिप। कैमरे के पीछे वाले को कुछ ज्यादा ही बोल रहे हम तुम्हें ही ना डाल दे पार। मुझे वैसे थोड़ा डर लगता है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ध्यान से लेफ्टी लेफ्टी है तू तो पर राइट हैंड से कहाँ चली है? ये नहीं हो रहा है। अरे करण So guys, मैं हूँ जज। मैं नहीं हूँ, हम दोनों हैं। पहले मेरी डिश ये ट्राई करेगी, अपनी भी करेगी, फिर बताएगी किसकी ज्यादा अच्छी है और फिर मैं अपना व्यूज भी बताऊंगी, पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने इसको कट किया था, इसका कचुम्बर हो गया। सॉस में डिप करे, मैंने ना इसमें सॉस डालना भूल गई थी तो मैंने बाद अभी डाल दिया है तो वो भी दिखाई नहीं। मेरी बारी है, मैं बोलूं। पियो पियो मेरा ना खाओ खाओ। प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी है देखो देखो। कैसा है रिएक्शन? कुछ बहुत ही खराब आ रहे हैं।
ठीक है बट जो आपकी टिक्की है वो थोड़ी ज्यादा ही हमने ट्राई कर दी है, उसका टेस्ट थोड़ा सा जले हुए वाला आ रहा है, बाकी सही है, नॉट बैड. ठीक है अब अपना ट्राई करो. खुद की क्या तारीफ करनी, हमें पता ही है, हम तो है ही. अच्छा या चलो चलो ठीक है, ट्राई तो करो पहले. माशाल्लाह सच में. मिर्च खा ली. इसको खा के मुझे अपने स्कूल की कैंटीन की याद आ गई. चलो मेरी बारी अब, आप कुछ नहीं बोल सकते. ये हमारी डिश, जरा ट्राई करते हैं हम खुद को भी तो पता चले कैसी बनी है. ट्राई करनी है, पूरा नहीं खाना है. बीच बीच में बस वो टिक्की जल गई है, बाकी तो टेस्टी थी. आई डोंट नो. ओए सच बोल. या अब इसकी ट्राई करते. बस तुम्हारे जो है ना वो जली नहीं है कुछ भी चीजें, दोनों टेस्ट सेम ही आ रहे मुझे तो. पर मैं प्रेफर करता हूँ कि यही विनर है. आई एम द लूजर. अभी सिर्फ अभी के लिए, बाकी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और बताएं कि आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट कर दें. बाय बाय.